वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन, अनदर डे अनदर ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। ये मेरा अब तक का दूसरा मोटो ब्लॉग है और इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने गांव अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पीछे से अभिषेक बोल रहा है कभी भी ट्रिपल लोड में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए और अभी हम लोग ट्रिपलिंग करके ही जा रहे हैं। और टाइम हो रहा है 4:05 है। चलिए देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं हम लोग। और ये लोग गार्डन में घूम रहे हैं अभी। आज पता चलेगा विंड नॉइज कैसा विंड नॉइज आ रहा है नहीं आ रहा। वो तो सिटी में चल रहा था इस वजह से उतना ज़्यादा नॉइज़ फील नहीं हो रहा था, बट अभी चेक करते कैसा आता है। उम्मीद है कम आ रहा हो। बाकी चलते हैं गांव दिखाते हैं आपको। अभी तो खैर हम लोग हाईवे पे हैं, लेट्स सी कितने देर में पहुंचते हैं। 80-100 में तो नॉइज़ फील होता है, विंड नॉइज़ फील होता है। अब चेक करते कैसा रहता है। गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो अगर इस व्लॉग में आपको मज़ा आ रहा हो तो। मेरा गांव कुछ खास तो है नहीं, जैसा सबका नॉर्मल गांव होता है वैसा ही गांव है, बट ये रोड बनने के बाद मेरे गांव में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया। और अगर आप इस ब्लॉग में यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक करके ज़रूर जाना अगर आपको सच में ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो। ये फैक्ट्री बहुत पुराना है, ये रोड बनने के बाद नहीं है, ये रोड बनने से पहले से है। इसलिए लोग गांव को सुकून बोलते हैं। भाई देख रहे हो दोनों तरफ कितना सही सीन हो रहा है। एक बार मेरा इस जगह पे एक्सीडेंट हो चुका है गाइस। इस जगह पे हम आ रहे थे अपने ही गांव से, हम और मेरी बहन, तो सामने से एक बोलेरो आके डायरेक्ट हम मेरे लेन में आके मेरे को ही मार दिया। कितना भी ब्रेक लगाते तो लगना था ही, स्टिल हम कोशिश किए थे रोकने का। और क्योंकि उधर कोई फुटपाथ नहीं है तो फुटपाथ पे भी नहीं उतार सकते थे, और उधर आदमी अपना सीढ़ी बना के रखा है, जिसका भी प्रॉपर्टी होगा अपना सीढ़ी बना के रखा है उधर। उधर ना तो उतर भी नहीं सकता था, जो था एकदम हम अपने एंड पे थे, वो मेरे एंड पे आके मेरे को मारा। खैर वो कंपनसेट करने के लिए रेडी था। और फिर हम लोग गए बाइक को टो करवा करके लेकर के गए हम लोग उसको शोरूम में। किस्मत से मेरा इंश्योरेंस भी कुछ दिन पहले ही रिन्यू हुआ था, ऐसे ही वाइट कलर का बोलेरो था वो भी जो मेरे को मारा था। ये होता है गांव में, अगर आप ध्यान कहीं और रखोगे तो कब कहां से बकरी आ जाए, बैल आ जाए, कुत्ता आ जाए, बच्चा आ जाए, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। और ये जो रास्ता पे हम लोग अभी चल रहे हैं वो रास्ता यहाँ यहाँ ले जा सकता है आपको। और हम लोग जा रहे हैं चौपारण की ओर जो मेरे गांव से होते हुए जाता है। कहीं खाली मिलता है तो रेस देके देखते हैं अभी ट्रिपल लोड में कितना भागता है, उससे पहले फ्यूल करवा लेते हैं। फ्यूल स्टेशन आ गया, गांव का फ्यूल स्टेशन है तो फ्यूल हो गया है। अमित बाबू का शर्ट गंदा हो गया था। अब यहाँ पे आके अमित बोल रहा है वापस चलते हैं, शर्ट चेंज करके आएंगे उसके बाद जाएंगे घर। उसको अभी दिखा, थोड़ा विंड नॉइज आ रहा होगा भाई, तो उसको देख लेना बस तुम लोग अगर जो भी देख रहा है इस वीडियो को, थोड़ा सा मैनेज कर लो कुछ टाइम, बस 500 सब्सक्राइबर उसके बाद अच्छा हेलमेट आ जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा मेरे को 500 सब्सक्राइबर्स तक आई गेस, अगर सब मेरे को जान जाएगा कि कौन बना रहा है ब्लॉग, तो हमको नहीं लगता कि बहुत टाइम लगेगा मेरे को 500 सब्सक्राइबर गेन करने में। आगे भी चलते देखते कैसा है क्या नहीं है। टाइम हो गया 4:10, चलते देखते खाली जगह आएगा वहाँ पे क्रूज करते हैं, लास्ट गियर में देखते कितना भागता है।
सारा ट्रक वाला टोल पर जाने के चक्कर में इधर से जाता है। एटी एकदम आराम से चला जाता है, एकदम आराम से, सिटी में भी और नॉर्मल भी हाईवे पे। मैं इसको भगा नहीं रहा हूँ, नहीं तो 80 के ऊपर भी आराम से जाता, रोड ही खाली नहीं मिल रहा। ये लोग अपने मन से ब्रेकर बना देते हैं इधर। और यहाँ पे बॉर्डर आता है कोडरमा जिला, सीमा समाप्त। हम लोग आ गए हजारीबाग में। हम लोग ऑलरेडी 3 है भाई, कहाँ जाएगा, लिफ्ट मांग रहा था शायद वो। हम लोग ऑलरेडी 3 बैठे हुए, रूल टूट जाएगा फिर अगर उसको बिठा लेते तो। हम लोग रूल फॉलो करके चलते गाइस। इस जगह पे रोड इतना ख़राब है ना, इतना ख़राब कि पूछो मत। बहुत खतरनाक वाला यू टर्न है यार, एकदम ब्लाइंड है, कुछ दिखता ही नहीं है। बचा है अभी हल्का सा, से बच गया हो। वो बिल्ली मेरा रास्ता काटने की कोशिश करने के चक्कर में खुद नहीं पड़ जाता। ये भी एक गंदा वाला यू टर्न है, बहुत एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और ये भी एक अच्छा यू टर्न है, होपफुली बिल्ली को मज़ा आया होगा। अभिषेक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो भी ऐसा चलाता है, थोड़ा सा अमित को लगेगा। ये सारा इतना ज़्यादा कटा हुआ है ना गाइस, बता नहीं सकता। हालांकि लीन करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा, वही है अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा तो लीन करते करते सो जाइएगा, वो भी यहाँ नहीं हॉस्पिटल के बेड पे, किस्मत अच्छा रहा तो। चलिए देखते हैं कितना भाग सकता है, कितना भगा सकता है। ये रास्ता में मैं हमेशा भगाता हूँ अगर ये खाली रहा पूरी तरह तो। इजी 100 टच कर गया, वो भी ट्रिपल लोड पे। ट्रक था आगे, अदरवाइज निकल जाता मैं। 120 तो दिखता आपको। फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है गाइस। ऑलमोस्ट मैं अपने गांव पहुंच चुका हूँ विद इन 30 मिनट। तो इतना प्यार से आया इस वजह से, और जल्दी आ सकते थे। ये रास्ता भी बहुत ख़राब है, पहले इधर रहता था मैं गाइस, इसमें अभी मेरा घर बन रहा है वो वहाँ सामने। चलिए देखते हैं। अब हम लोग वापस जा रहे थे लैया, तेल फुल करवाना है इस बार। ये टाइम पे लोग सब ऑफिस से आ रहे हैं अभी सारा। गांव का यार बात ही अलग है, गांव का बात ही अलग है। बेचारा अभिषेक को लग गया सुसु। और वो धीरे धीरे गायब होते हुए पूरी तरह से गायब हो गया। अभी जाके फ्यूल करवाएंगे, सर्विसिंग में भी डालना गाड़ी को, गाड़ी में भी बहुत सारा काम खोज रहा है। यहाँ से हम लोग का गांव ख़त्म होता है गाइस। अब हम लोग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हैं। गांव को गांव की तरह ही छोड़
छोड़ दिया जाए ना तभी ठीक है। गांव को भी शहर बनाने के पीछे लोग पड़ जाता है, फिर गांव से हरियाली गायब हो जाता है। मस्त लीन मारते हुए, वो भी ट्रिपल लोड में। इधर का मौसम भी भाई ठंडा ठंडा सा है। और ये हेलमेट का दोष है भाई, मेरा कुछ गलती नहीं है। यही होता है गांव में। तुम कितना भी अच्छा चल लो, नहीं तुम कितना भी अच्छा चल लो, बकरी तो तुम्हारे रास्ते में आएगी ही ना। आते वक्त इसी यही जगह पे बिल्ली था और जाते वक्त यही जगह पे बकरी आया। अमित और अभिषेक को लग रहा है ठंडा। ऑलरेडी मौसम इधर बहुत ठंडा ठंडा सा है। बहुत ज़्यादा ब्लाइंड है ये वाला, बहुत ज़्यादा। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या है नहीं है, अगर कोई स्पीड में आया तो। ये दिमाग सिर्फ हेमंत चच्चा लगा सकता है, ऐसा अमित का कहना है। हेमंत चच्चा इज इक्वल्स टू हेमंत सोरेन। तुम लोगों को ठंडा लग रहा है, वापस से रोकना पड़ेगा क्या कहीं? ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ पता है कि नहीं तुम लोगों को, मरम्मत का 36 करोड़ रुपया सिर्फ तिलैया से यहाँ तक का, चपारण तक का। अब हम लोग हजारीबाग जिला सीमा समाप्त करके कोडरमा जिला में प्रवेश करते हुए वापस से अपने जगह यहाँ से शुरू होता है। गांव में इस वजह से कोई सा भी लेन पकड़ के चल लेते हैं, अदरवाइज हाईवे पे ऐसे चलाना इज नॉट सेफ। सोचे थे आते वक्त कि स्पीड टेस्ट करेंगे, अब जाते वक्त शाम हो गया है, कहाँ से स्पीड टेस्ट होगा। ऊपर से ये वाला हेलमेट में मेरे को सब डार्क मोड में दिखता है। कोई मारा है गाय को, बताओ। इधर गांव, जब गांव हो तो क्या बोल रहा था, रोड पे गाड़ी चलेगा कि बकरी चलेगा? उनका भी बात सही था यार, रोड पे गाड़ी चलेगा कि बकरी चलेगा। मोटर व्लॉग अभी जैसे शुरू ही किए तो कुछ ऐसा खास मेरे को आइडिया है नहीं, बाकी दूसरों का मोटर व्लॉग देख के मेरे को मज़ा बहुत आता था। होप सो आप लोग को भी आए। उस लेवल का सच कंटेंट तो नहीं ही निकाल पाएंगे हम फिलहाल, आई एम श्योर हम आने वाला टाइम में निकाल लें, बट अभी मेरे को चीज़ें सीखने में समय लग जाएगा। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट आउटपुट। आते वक्त हम लोग अभी जब आ रहे थे उधर, अरे वाह, आते वक्त अभी हम लोग इसी फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल करवाए थे और ये लोग तो प्रो है, कंटेंट दे देता है ये लोग। यार भाई आज कुछ जानवर कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा इधर, जानवर ही जानवर चारों तरफ। रोड पे जानवर चलेंगे कि गाड़ियाँ? गांव में ये सब वेरी कॉमन। ऑलमोस्ट हमको दिखना बंद हो गया हेलमेट में, पूरा अंधेरा। रास्ता पता है ना। और यहाँ पे फिर से बकरी स्पॉटेड, गोट स्पॉटेड गाइस, गोट स्पॉटेड, द रियल गोट। हैरियर था, हैरियर तो गाय भाई
प्यार है वो, हैरियर इज लव। कल सैटरडे आप देखते हैं, कल सैटरडे को टाइम मिलता है तो जाएंगे सर्विस करवाने बाइक का, बहुत जरूरी है। 3-4 चीज इसमें अभी तक डैमेज मेरे को पता चल चुका है कि हो चुका है डैमेज, टाइम नहीं मिल पा रहा है। सुबह जिम का टाइमिंग चेंज कर दिए तो इस वजह से और ज़्यादा शेड्यूल हेक्टिक हो गया। जाएंगे सर्विस कराएंगे, उसके बाद देखते क्या रिस्पांस देता है गाड़ी। ऑल दो मेरा रिकमेंडेशन इतने टाइम के बाद यही रहेगा कि कभी भी बाइक में कुछ आफ्टर मार्केट लगवाना हो तो 2 बार सोच जरूर लेना भाई, क्योंकि एक बार अगर लग जाएगा कोई सा भी स्पेयर तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहता है उसका कि वो ओरिजिनल नहीं रहता है, बट जो शोरूम तुमको देगा वो एकदम ओरिजिनल रहेगा भाई, वो एकदम सही चीज़ रहेगा। सर्विस सेंटर से स्पेस ले लो, बाकी आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हो। पसंद के मैकेनिक को जाके बोल सकते हो कि लगा दो ये वाला चीज़ या फिर ये ऐसे, बाकी सर्विस वगैरह शोरूम में ही करवाओ। खैर अभी हम लोग चलते थे लैया पहुंच गए हैं। और यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर है भी नहीं, ये लोग कोई बिना देखे ये लोग जो क्रॉस कर जाता है क्या सोचता है ये लोग। और ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं।